इतना काटा जाता है प्याज पूरा डालो। नमस्कार दोस्तों, भोला राज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और कल शाम को कुछ वर्षा हुई थी, अच्छी खासी वर्षा हुई थी। तो मैं अपनी धान को देखने के लिए आ गया था और चारों ओर हरियाली से दिख रही है, क्योंकि लंबे समय के बाद, लगभग 15 दिनों के बाद ये वर्षा हुई है। तो उसका आनंद लेने के लिए मैं आ गया। जगह जगह पर थोड़ी बहुत पानी भरी हुई है। ये वर्षा अच्छी खासी ज़रूरत थी किसानों के चेहरे पर, कुछ तो मुस्कान आया। हालांकि पूरी तरह खेती नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो मक्का लगा हुआ था और जो कुछ धान लगे हुए थे उसको राहत मिली है। और ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आगे की जो खेती गृहस्थी है उसके लिए किसान लोग अपनी रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अभी अच्छे खासा नुकसान हो चुका है किसानों को। मुझे अभी विद्यालय भी निकलना है, तो मैं स्नान ध्यान करके विद्यालय निकलूँगा। मुझे 7 बजे निकलना होता है, तो विद्यालय के लिए प्रस्थान करूँगा घर से। भोजन करने के पश्चात निकल चुका हूँ विद्यालय के लिए। पहले आयन बाबा को लेंगे और उसके बाद सीधा चलते रहेंगे विद्यालय की ओर। चलिए बैठ जाइए, आयन बाबू भी आ चुके हैं। विद्यालय पहुंच चुके हैं और अभी 15 मिनट के बाद टीचर से लोग आएंगे। 15 मिनट में पहले हूँ, कुछ काम है पहले करते हैं उसको। तो अभी विद्यालय से लौट रहे हैं, दिन भर थकान से। हालांकि ऐसे नेचुरल व्यू में जब आते हैं और सफ़र करते हैं तो सारी थकानें मिट जाती हैं चारों ओर हरियाली के लिए। बड़ा मस्त व्यू बन रहा है चारों ओर। अभी विद्यालय से घर पहुंच चुके हैं और ये नन्हा सा बालक खेल रहा है अभी। ए ओए ए ए ए दोस्तों, अभी मैं और माला जा रहे हैं बाजार, और बाजार से भी आगे चलेंगे एक खेत जो एकदम गांव से और आगे निकल कर है। उस खेत पर जाएंगे और वहां पे देखेंगे धान की स्थिति, और साथ में आते समय सामान कुछ लेके आना है। तो आएंगे, तो अभी चल रहे हैं हम और माला। सोमवार होने के कारण आज थोड़ी भीड़ है मेन चौक पर। माला अभी खाद ले रही है, क्योंकि हम लोग जब से रोपा लगा के आए वहाँ गए नहीं हैं, तो खाद ले जाते हैं ताकि देख के आएंगे। अभी हम लोग धान खेत देखने जा रहे हैं और माला भी खाद दुकान पर ली थी। और आसपास नीले बादल और कुछ काले बादल भी हैं, ये काले बादल हैं, और पूरा बाकी आसमान ठीक है। पानी लेकिन नहीं लग रहा है, पानी लगता है इधर कम गिरा है जी, इधर कम गिरा है लगता है। दोस्तों अभी माला खाद डालना शुरू कर चुकी है और देखिए आसपास की जो धान की हरियाली है बहुत अधिक है। और देखिए मेरा पीला हो गया है, और बगल में देखिए कितना सुंदर हरा है, क्योंकि हम लोग खाद नहीं डाल पाए थे और देखने तक भी नहीं आए। जो लगा गए आज आए हैं लगभग 22 दिनों के बाद, ना 20-22 दिनों के बाद आज आए हैं। तो अभी खाद बुन रही है, अब दूसरे खेत में चलेंगे हम लोग। इस खेत में मैं खाद डालने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी खाद डाल चुके हैं, लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है धान की फसलों का। ऐसा नहीं कि हमारा ही नहीं, अन्य सभी का धान का ग्रोथ अच्छी टाइप से नहीं है। पता नहीं इस वर्ष हम लोग जितना मेहनत किए हैं और जितना राशि खपत किए हैं, पता नहीं वो निकल पाएगा कि नहीं। अब हम लोग आ चुके हैं और हमारी गाड़ी अभी लगी हुई है यहाँ पे। अभी माला समिति में पैसे जमा करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे बाजार और बाजार से सामान खरीद के सीधा घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हो गया दोस्तों, अभी चाउमीन लेके आ चुके हैं और इधर ये है चिली सॉस,
इधर किट्टी झुलवा खेल रही है और इधर दीपिका बना रही है। अभी ये उबाल के रखी है, प्याज भी कटा हुआ है और साथ में अभी चाउमीन फ्राई होना शुरू हो चुका है। दोस्तों तैयार हो चुका है, पहले मुझे खाने के लिए दीजिए। लाइए, हो गए। लाओ चम्मच, लाओ पहले। दोस्तों इसको खा के देखता हूँ कैसा टेस्ट आता है। ये मिल गया। आप लोग भी खाइए। माला चट से चट कर गई, पूरा का पूरा खा गई फटाक से। और ये इधर बेटा खा रहा है ऐसे झुलवा झूलते हुए। चलिए दोस्तों, मस्त सबका भोजन हो चुका है। मुझे करनी है कुछ एडिटिंग और सभी लोग अपनी सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम करूंगा ताकि कल आपको वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।